करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। जी हाँ, बता दें आपको शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। HSSC ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की परीक्षा होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 सितंबर को होगी दोनों पदों की परीक्षाएं। तो शेड्यूल जारी किया गया है, मॉर्निंग सेशन में होगी पुरुषों की परीक्षा, वहीं इवनिंग सेशन में महिलाओं की परीक्षा होगी। HSSC ने जारी किया ये शेड्यूल। बता दें आपको सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की परीक्षाएं होंगी। मॉर्निंग सेशन में आपको बता दें कि पुरुष और इवनिंग सेशन में महिला सेशन की परीक्षा जो है वो होगी। पवन सिवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो महिला पुलिस के लिए और पुरुष पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 सितंबर को ये परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में ये परीक्षाएं 26 सितंबर को होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 26 सितंबर को ये दोनों पदों की जो परीक्षाएं हैं वो होने जा रही हैं, और जानकारी जैसे कि मिल रही है मॉर्निंग सेशन में पुरुषों की परीक्षा होगी, वहीं इवनिंग सेशन में महिलाओं की जो परीक्षा है वो संपन्न की जाएगी। तो इसको लेकर शेड्यूल जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बता दें पुलिस भर्ती परीक्षा का ये शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। HSSC ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की ये परीक्षा होने जा रही है, और इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल 26 सितंबर को दोनों पदों की परीक्षा, मॉर्निंग सेशन में पुरुष और इवनिंग सेशन में महिलाओं की परीक्षा होगी। तो बता दें HSSC ने परीक्षा का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिलाओं की ये परीक्षा जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 सितंबर को दोनों पदों की जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न की जाएंगी। तो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इवनिंग सेशन में महिलाओं की परीक्षा होगी।